देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। 25 जनवरी को जहां पूरे देश में विवादित पद्मावत फिल्म को रिलीज किया गया था, वहीं रुड़की क्षेत्र के दो सिनेमा घरों में विवादित पद्मा फिल्म नहीं दिखाई गई थी, लेकिन 28 जनवरी से रुड़की के आरआर सिनेमा घर में पद्मावत फिल्म दिखाई जा रही है, तो वहीं नीलम सिनेमा घर में आज से विवादित पद्मावत फिल्म को भी दिखाया जा रहा है। पद्मावत फिल्म लगने के बाद कुछ उपद्रवियों द्वारा रात के समय आरआर सिनेमा में केरोसिन की बोतल फेंक कर सिनेमा घर को नुकसान देने की कोशिश की थी, लेकिन कोशिश नाकाम साबित रही, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और चार उपद्रवियों द्वारा केरोसिन की बोतल फेंकने का प्रयास किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुड़की के दोनों सिनेमा घरों का जायजा लिया और पूछताछ के दौरान पता चला केरोसिन की बोतल फेंकने का प्रयास किया था, जिसके चलते सीओ रुड़की द्वारा भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ आसपास के थानों की फोर्स भी सिनेमा घरों के बाहर तैनात कर दी गई है। घटना ऐसा कुछ नहीं रहा, घटना ये थी कि कुछ लोग आए थे, मेरे ख्याल से चार एक लोग थे जो कि दो बाइकों पे आए थे, जो हमें पता लगा जिस तरह से, और उन लोगों ने कोशिश करी कि थोड़ा सा मतलब यहाँ उपद्रव मचाए, लेकिन ऐसा कुछ रहा नहीं। उन्होंने शायद एक दो बोतलें फेंकी भी जो कि गाड़ी से हटके गिर गई, तो आग जो भी थोड़ा बहुत रहा वो वहीं रहा, गाड़ी का किसी का नुकसान नहीं रहा, सब कुछ ठीक रहा। वैसे सिनेमा में पद्मावत फिल्म का शो चल रहा है, जिसमें एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न होने पाए। सामान्य चल रहा है और सामान्य ही चले इसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। बाइक से गुजरते हुए कोई बोतल फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन उससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। डेढ़ प्लाटून पीएसी यहाँ लगाई गई है और डेढ़ प्लाटून पीएसी नीलम टॉकीज पे लगाई गई है।